फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये खूबसूरत सा प्लांट जिसे कि ब्लीडिंग हार्ट के नाम से जाना जाता है। इस प्लांट के बारे में, बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला प्लांट, एवरग्रीन प्लांट, सालों भर फूल देने वाला पौधा, इसके बारे में आज हम कुछ जानकारी लेंगे। इस प्लांट को हमें कैसे लगाना है, कैसे इसकी केयर करनी है, कितनी सनलाइट दें, इन सभी बातों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस प्लांट को परचेस किए मुझे लगभग 3 से 4 महीने हो चुके हैं और मैंने जब फर्स्ट टाइम इस प्लांट को ख़रीदा था, इसीलिए मैंने आपके साथ कोई वीडियो नहीं शेयर किया था। इन 3-4 महीने में जो मैंने इस प्लांट के साथ जो एक्सपीरियंस पाया है, वही मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, बहुत ही इजी ग्रोइंग प्लांट है। इस प्लांट को मैंने आई थिंक मार्च में परचेस किया था और जब मैंने इसे परचेस किया था तब ये प्लांट बहुत ही छोटा सा था। आई थिंक इसकी हाइट इतनी सी ही थी। इस बीच ये प्लांट आप देख सकते हैं कितना बड़ा हो गया और काफ़ी बार मैंने इस प्लांट की प्रूनिंग भी की है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस प्लांट की मिट्टी। एवरग्रीन प्लांट है इसीलिए मिट्टी हमेशा ही सॉफ्ट बनाएं, हल्की बनाएं, जिसमें कि रेत की मात्रा आप ज़रूर मिलाएं। जैसे कि मैं मिट्टी तैयार करती हूँ, एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा सैंड और एक हिस्सा कंपोस्ट डालती हूँ। फंगस अटैक मिट्टी में ना हो उसकी वजह से मैं थोड़ा सा नीम खली इसमें ज़रूर ऐड करती हूँ। और इस तरह से मैं प्लांट की, हर प्लांट की मिट्टी तैयार करती हूँ और इसी तरह से ही मैंने इसकी भी मिट्टी तैयार की और उसका रिज़ल्ट आपको दिख ही रहा होगा। ये ग्रोथ इसकी जो काफ़ी अच्छी होती है अच्छी मिट्टी देने से। फिर फ्रेंड्स, इस प्लांट को फुल धूप में रखना होता है। वैसे तो ये प्लांट सन लविंग प्लांट है, लेकिन जो तेज़ गर्मी होती है, जो तेज़ धूप होती है समर सीज़न की, उस टाइम इसको थोड़ा सा शेडी एरिया देना पड़ता है। यानी आपको ऐसी जगह रखनी है जहाँ कम से कम भी 3 से 4 घंटे की धूप मिले और फिर इसे तेज़ धूप से हम बचा सके। तो मैं भी इसे अपने टेरेस पे ऐसी जगह पे ही रख रखी हूँ जिससे कि इसमें दोपहर की धूप से इस प्लांट को मैं बचा सकूँ। तो इस तरह से ये प्लांट बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो करता है। बिल्कुल लैश ग्रीन इसकी पत्तियाँ होती है और इस तरह से खूबसूरत से इसके फूल होते हैं। इजीली आप इस प्लांट को बालकनी में ग्रो कर सकते हैं अगर आपके बालकनी में 3-4 घंटे की धूप आती है तो। पूरे दिन की धूप इस प्लांट को ज़रूरत नहीं होती है, मॉर्निंग की, इवनिंग की इतनी धूप इसे मिल जाए तो ये प्लांट बहुत ही अच्छे से सर्वाइव करता है। वाटरिंग की बात करें फ्रेंड्स, तो वाटरिंग इस प्लांट को प्रॉपर तरीके से चाहिए। यानी ये प्लांट वाटर लविंग प्लांट है। इस प्लांट की मिट्टी जो है आप यहाँ देख सकते हैं, इसे एनी टाइम आपको मॉइस्ट रखना है, एकदम से सॉगी नहीं रखना है, जो कि मिट्टी एकदम गीली रहे, एनी टाइम पानी स्टोर रहे, वो मिट्टी में ठहरा हुआ रहे, वैसा मिट्टी इसे नहीं पसंद है। लेकिन इस तरह से सॉगी मिट्टी इस प्लांट को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, उससे इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। ड्राई मिट्टी होते ही ये प्लांट अपनी पत्तियां नीचे की तरफ लटका देती हैं, जिसकी वजह से साफ हमें समझ में आ जाता है कि इस प्लांट को पानी की रिक्वायरमेंट है। लेकिन फ्रेंड्स, आप इस तरह से कभी ना करें, इसे रेगुलर बेसिस पे ही पानी दें, क्योंकि ये मॉइस्चर लविंग प्लांट है। हल्की हल्की मॉइस्चर हो ऐसी जगह इस प्लांट की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है, इसीलिए पानी का ध्यान रखें, मिट्टी में हल्का मॉइस्चर एनी टाइम बनाए रखें। या ये जो आप देख रहे हैं, ये मॉइस्चर बनाए रखने के लिए ही मैंने ये प्लांट लगा रखे थे, जिससे कि मिट्टी एकदम से ड्राई नहीं हो और ये मिट्टी को कवर कर ले, जिससे कि मिट्टी में मॉइस्चर एनी टाइम बना रहे। तो इस तरह से हमें इसे वाटरिंग करनी है। इन 3 महीने में फ्रेंड्स, जब से मैंने इसे लगाया है तब से मैंने इसमें किसी भी तरह का पेस्ट का अटैक देखा नहीं है। अदरवाइज़ अगर आपके पास ये प्लांट है और उसमें पेस्ट अटैक हो रहा है तो आप उसमें नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर करिए, क्योंकि पेस्ट से हम बचा पाएंगे प्लांट को, तभी हमारा प्लांट हेल्दी तरीके से ग्रो होगा और इतनी खूबसूरत तरीके से फ्लावरिंग भी करेगा। फर्टिलाइज़र की बात करें फ्रेंड्स, तो अभी मैंने इस प्लांट को जब रिपोर्ट किया था तो इसमें मैंने अच्छी तरीके से बर्मी कंपोस्ट ऐड करके इसको रिपोर्ट किया था। तो अभी मैं इसमें ड्राई फर्टिलाइज़र नहीं दे रही हूँ। 3 से 4 महीने में एक बार इसमें ड्राई फर्टिलाइज़र दीजिए। तो मैं इसमें अब रेनी सीज़न के बाद ही फर्टिलाइज़र दूँगी। तो इस बीच में जब भी मैं इसे फर्टिलाइज़ करूंगी तो मैं इस प्लांट को लिक्विड फर्टिलाइज़र ही दूंगी। अच्छी तरीके से कंपोस्ट ऐड करके जब मिट्टी तैयार करते हैं तो रेगुलरली हमें ड्राई कंपोस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है फ्रेंड्स,
और अच्छी ग्रोथ पाने के लिए इसमें हमें हर 15 से 20 दिन में लिक्विड फर्टिलाइज़र देते रहना है, जो कि मैं हमेशा ही आपके साथ शेयर भी करती हूँ। सरसों खली और नीम खली मिक्स करके मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाती हूँ और उसी का ही वही कंपोस्ट, वही लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं मेरे हर प्लांट को देती हूँ। तो मैं इसे भी वही देती हूँ हर 15 से 20 दिन में, तो उससे मेरे इस प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो गई है। तो काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग भी हो रही है, रेगुलर बेसिस पे फ्लावरिंग हो रही है और बहुत ही अच्छा एवरग्रीन प्लांट है फ्रेंड्स। एनी टाइम इसमें आपको फ्लावर दिखेंगे ही, सालों भर फूल देने वाला बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट है ये। इसमें ये खूबसूरत से जो वाइट में रेड कलर के इस तरह से निकलते हैं, ये देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो बहुत ही तेज़ी से ग्रो होने वाला प्लांट है। अच्छी अगर इसे मिट्टी दी जाए, एनवायरनमेंट इसे दिया जाए, तो इसकी ग्रोथ बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। अगर आप इसको लिमिटेड हाइट में रखना चाहते हैं तो टाइम टू टाइम आप इसकी प्रूनिंग करते रहें, जिससे कि इसमें अच्छी ग्रोथ आपको नज़र आएगी। आप देख सकते हैं मैं भी यहाँ पे इसकी प्रूनिंग कर रखी हूँ और काफ़ी जगह यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी मैंने इसकी प्रूनिंग की है। तो मैं अक्सर ही इसकी प्रूनिंग करती रहती हूँ, इसीलिए अभी तक ये प्लांट मेरा काफ़ी बड़ा नहीं हुआ है। अदरवाइज़ ये प्लांट एक बेलनुमा प्लांट है, यानी क्लाइंबर प्लांट है। ये ऊपर की तरफ चढ़ता हुए ग्रो करता है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं मैंने इसे लकड़ी का सपोर्ट दे रखा है, क्योंकि ये प्लांट खुद ब खुद स्टेबल नहीं होता है, इसे सपोर्ट की ज़रूरत होती है। ये प्लांट ये सालों भर फूल देता है, थोड़ा कम थोड़ा बेसी, जैसे इसके सीज़न आने लगते हैं इसमें फ्लावरिंग अच्छी होने लगती है, उसके बाद थोड़ा कम हो जाता है। फिर आप इसकी थोड़ा केयर करिए, फर्टिलाइज़र वगैरह दीजिए, ध्यान दीजिए, तो ये प्लांट बहुत ही जल्दी फिर से फ्लावरिंग पे आ जाता है। अगर किसी कारण से ये प्लांट फ्लावरिंग पे नहीं आ रहा है तो इसकी थोड़ी प्रूनिंग कर दें, कटाई छटाई कर दें, जिससे कि इसमें नई ग्रोथ आए। जैसे कि आप देख सकते हैं तो इसमें अच्छी खासी फ्लावरिंग फिर आने लगती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, इस प्लांट को प्रोपगेट करना बहुत ज़्यादा आसान है। बाय स्टेम कटिंग इस प्लांट को आप बहुत ही ईजिली प्रोपगेट कर सकते हैं। इस प्लांट अगर आप एक बार कर लेंगे तो आप इजीली एक से दो से चार आप कर सकते हैं, जो कि मैं भी कर चुकी हूँ। जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि मैंने यहाँ पे इस प्लांट की प्रूनिंग की, आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे भी मैंने इसकी प्रूनिंग की, तो जो स्टेम निकला वो स्टेम मैंने फेंका नहीं है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ये दो स्टेम लगाए थे और दो तीन स्टेम जो मैंने यहाँ लगाए थे, देख सकते हैं आप दोनों तीनों स्टेम मेरे लग चुके हैं। तो इसमें से मैं एक स्टेम आपको निकाल के दिखाती हूँ, देख सकते हैं फ्रेंड्स ये रहे इसके रूट्स, काफ़ी अच्छी रूटिंग्स होने लगी है। और ये फ्रेंड्स मुझे ज़्यादा दिन नहीं हुए लगाए हुए, आई थिंक 15 से 20 दिन ही हुए होंगे इस कटिंग से लगाए हुए। तो फ्रेंड्स, कटिंग से ग्रो करना ये प्लांट बहुत ही ज़्यादा आसान है, इजीली आप एक से कई बना सकते हैं, इसीलिए इस प्लांट को तो आप ज़रूर ही परचेज़ करिए। एक खूबसूरत सा यूनिक लुक देता है अपने गार्डन में, और इसको किसी चीज़ के सपोर्ट से ग्रो करिए तो इस प्लांट का लुक बहुत ही खूबसूरत आता है। तो फ्रेंड्स, ये थी ब्लीडिंग हार्ट प्लांट की जानकारी, जो कि मैंने खुद अनुभव किया है, एक्सपीरियंस लिया है इस बीच जब से मैंने इसे परचेज़ किया। तो उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, और पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड्स, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करिए, साथ में बेल बटन दबाइए, जिससे कि आगे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अब अगले किसी वीडियो में नई किसी इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। ओके देन, बाय।